जयनगर प्रखंड के पीपोचो चौक के पास फ्रेंड्स हेयर स्टूडियो का उद्घाटन पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने फीता काटकर किया। वहीं विधायक जानकी प्रसाद यादव ने फ्रेंड्स हेयर स्टूडियो के संचालक सद्दाम हुसैन, मिराज अंसारी एवं गुलाब गौस को फ्रेंड्स हेयर स्टूडियो खोलने की उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीपोचो चौक अभी नहीं 10 साल के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे आज ही पता चल गया कि पीपोचो चौक काफ़ी तरक्की कर रहा है, आगे चलकर ये और तरक्की करेगा। पीपोचो चौक में ऐसी शॉप खुलने से लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित जीप सदस्य केदारनाथ यादव, सद्दाम हुसैन, मिराज अंसारी एम गुलाब गौस, JMM जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सह 15 सूत्रीय सदस्य नौशाद आलम, मुखिया कौशर खान, मुखिया इरफान अंसारी, अरफान खान राजूदास, कमीम अंसारी, इब्राहिम अंसारी, कुलदीप आलम, मिराज अंसारी, इजराइल अंसारी, वैद्यनाथ यादव आदि काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जयनगर प्रसावास से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज कोडरमा जिला के पीपचो चौक पर फ्रेंड हेयर स्टूडियो का शुभ उद्घाटन अभी हमारे हाथों किया गया, और अभी मैं देख रहे थे इसमें मसाज का जो मशीन है उसका भी मैंने जीवन में पहले बार लाइफ में इस तरह का मशीन पर बैठने का और मसाज का आनंद मिला। इसके लिए मैं इसके प्रोप्राइटर सदाम को और इनके सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर मैं कहता था कि पीपचो चौक अभी नहीं 10 साल के बाद पता चलेगा कि पीपचो चौक क्या है, और वह आज ही मुझे अनुभव हो गया। इसी पीपचो चौक को मैंने पीपचो से सीधे GT रोड से जोड़वाने का PWD सड़क काम किया था, और पीपचो से सीधे डोमचांच को जोड़वाने का काम करवाया था, और 3 किलोमीटर के बगल में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप देखते होंगे पानी का टंकी जो बराकर सिक्के नदी से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से इस क्षेत्र में आज शुद्ध पेयजल मिल रहा है पीपचो में, और कई काम हुए हैं। आप 50 मीटर के बगल में देखते होंगे पावर सब स्टेशन, यानी यह पीपचो चौक में जो ये खूबसूरती है उसको ये सदाम ने आज और 4 चांद लगा दिया। इसको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में शादी विवाह में भी जो लोग मेकअप के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए लोग बाहर से लाते थे, वो अब लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कम पैसे में सुविधाजनक और आसानी से वो काम होगा, इसलिए मैं पुनः इसे बधाई देता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि ऐसे चीज का जरूर आप आनंद।